हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस इंटरेस्टिंग सीरीज के अंदर में जो काफी पॉपुलर होता जा रहा है, जिसके प्रति आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार और रिस्पांस दिखाया है। एंड दिस इज ऑल कर्टसी दिस ग्रेट वंडरफुल यंगस्टर, दिस यंग बीजी प्लेनर, नन अदर देन जानवी सिंह। वी आर सो प्राउड ऑफ यू जानवी, एंड द कॉन्टेंट दैट यू आर मेकिंग बहुत उसका अच्छा रिसीव लोग कर रहे हैं, बिकॉज इट इज वेरी रेलिवेंट फॉर पीपल एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प पीपल बिकम इंटू यू नो नॉट जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर्स बट ऑल्सो डिजी प्लेनर्स। एंड आई एम श्योर स्लोली एंड स्लोली जैसे जैसे अनवेल हो रहा है ये एक एक टॉपिक, लोगों को बहुत मजा आ रहा है। अभी तक हम लोगों ने जो चीजें कवर करी थोड़ा सा उसका रिकैप कर लेते हैं, एंड टुडे वी आर गोइंग टू हैव वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेशंस, आई फील सो। Yes, सो व्हाट ऑल हैव यू डन सो फार जानवी? okay, so from the last three videos we have done a great job. I think हमने काफी चीजें कवर की है. फर्स्टली हमने काम किया है माइंडसेट पे लोगों के, कि जितने भी आपके मेंटल ब्लॉक्स है, बिलीव्स है, उनको थोड़ा सा ब्रेक कीजिए, उन्हें थोड़ा साइड में रखिए और एक नए सिरे से शुरुआत कीजिए. एंड जस्ट हैव दिस फेथ कि आप भी वो चीजें कर सकते हो जो ऑलरेडी लोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, मेरे टीममेट्स को रिजल्ट्स मिले हैं, तो आपको भी जरूर मिलेंगे. एंड आई टोटली बिलीव इन दिस. देन वी हैव लाइक अनदर सेशन की ब्रांड कैसे एस्टैब्लिश करें. तो ब्रांड की बात हम करें तो ये पूरे सीरीज में ये सेम रहेगा कि हम ब्रांड है तो इसके बेनिफिट्स क्या है. इन अंटिल द लास्ट वीडियो, जब तक हम ये खत्म नहीं करते तब तक ब्रांड की बात होगी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पूरे आपके बिजनेस में, अगर उसे ऑनलाइन ले जाना है, उसे ऑनलाइन एक्सपांड करना है. एंड द थर्ड वॉज कि कॉन्टेंट कैसे बनाए. ब्रांड बनने के लिए कॉन्टेंट बनाना पड़ेगा, तो कॉन्टेंट हमने डिस्कस किया कि किस तरह से कॉन्टेंट बनाए. यू कैन इवन फॉलो माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक की मैंने भी रिसेंटली कैसे कॉन्टेंट शुरू किया है. यू कैन चेक आउट देयर कि क्या वीडियोज मैं पोस्ट कर रही हूँ, एंड यू कैन फॉलो द सेम थिंग्स. एंड आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग, कि हम वीडियो कैसे बनाए. वीडियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द होल सोशल मीडिया लाइक प्लेटफॉर्म्स, जितने भी है, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज दिस इज द एरा ऑफ वीडियो मार्केटिंग. बट ऑब्वियसली बिकॉज हमारे व्यूअर्स भी हमारे साथ वीडियो से ही जुड़े हैं. आज से चार से पांच साल पहले जब मेरे को आइडिया आया था यूट्यूब का, उस समय इंस्टाग्राम मार्केटिंग वॉज नॉट सो पॉपुलर, बट यूट्यूब पर हमने एक चैनल लॉन्च किया था आशीष के जाके नाम से, एंड द फर्स्ट वीडियो इटसेल्फ यू नो लीड द रूल्स. तो ये बहुत क्लियर है बिकॉज वीडियोज आर समथिंग दैट एवरीबॉडी कंज्यूम्स, स्निपेट्स कंज्यूम करते हैं, एंड वीडियोज आर गोइंग टू स्टे देयर. And this is going to be a game changer for everyone. So we have to, you know, bring out that special, you know, inner celebrities from inside of us, and we have to come on the camera. But Janvi is going to make that, you know, job very easy for us, right, Janvi? Okay. So why don't you plug in your presentation and we can just start today's session? Sure. So the first question, Janvi, that we would like to ask you, that why is video marketing so important? Photos तो हैं ही हैं, लोग blogs भी लिखते हैं, written text बहुत सारा जाता है. एंड यू नो बहुत सारी चीजें लोग पहले करते थे, और जब भी हम एडवर्टीजमेंट देखते भी थे तो एडवर्टीजमेंट यूज टू बी यू नो हैविंग यूजुअली होर्डिंग्स पे या फिर बैनर्स पे, इट वाज ऑल यू नो जस्ट अ पिक्चर राइट विद अ मैसेज. बट आज के डेट में वीडियो मार्केटिंग हैज बिकम वेरी रिलेवेंट, चाहे वो टेलीविजन एड्स हो, चाहे वो यू नो हर एक जगह रील्स चल रहे हैं, या लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, एंड यू वुड नो मोर अबाउट इट, यू वुड टॉक मोर अबाउट इट, बट व्हाई इज इट सो पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया? एक्चुअली आई थिंक कि वीडियो मार्केटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है, एंड बिकॉज सबसे ज्यादा अभी जो मतलब एंगेजिंग है लोगों के बीच में, बिकॉज हमने पहले भी ये बात की है कि केएलटी रूल है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो केएलटी रूल है ये पूरे सीरीज में हमेशा रहेगा, क्योंकि एक केएलटी रूल एक ऐसी चीज है, वीडियो एक ऐसी चीज है जो जिससे लोग आपको जानते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, एक कनेक्शन फील करते हैं. पिक्चर से भले ही करते हो लेकिन उतना नहीं करते जितने वीडियो से कर रहे हैं. जब वो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपके अचीवमेंट्स क्या है, आप किस तरह से काम कर रहे हैं, तो वो जब उन्हें एक्टिविटीज वहां सोशल मीडिया पे दिखती हैं, सो वो ज्यादा कनेक्टेड फील करते थे. किसी भी इंसान का चेहरा या वॉइस जब भी किसी को सुनने मिलती है, देखने मिलती है, तो हम वो हमेशा से ही ज्यादा कनेक्ट होंगे. लाइक यू एंड मी आर प्रेजेंटिंग दीज थिंग्स ऑन यूट्यूब, अगर हम ऐसे ही इसे पोस्ट डाल देते तो शायद लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आता. बट यहाँ पे हम एक प्रोसीजर सीरीज बाय सीरीज लेके चल रहे हैं, तो लोगों को समझ आ रहा है कि हमें क्या करना है. लोग ज्यादा कनेक्टेड है, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, सो आई कैन ऑल्सो फील मोर कनेक्टेड टूवर्ड्स द ऑडियंस. एंड आई गेस कनेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ यू आर अ ट्रू नेटवर्क मार्केटर. आई गेस यू विल अग्री विद दिस. कनेक्शन और रिलेशनशिप इज द लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एक नेटवर्क मार्केटर की जान है, आई कैन से. बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो इनफैक्ट भगवान से भी कनेक्ट होने के लिए उनके सीरियल देखते हैं, तो जब तक उनको हम यू नो एनिमेटेड टॉकिंग नहीं देख लेते हैं, तब तक हमें यू नो वो कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो पाता है. ऑब्वियसली बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग्स आर यू नो रिसेप्टिव टू ऑडियो विजुअल सेंसेस, सबसे ज्यादा हमारे मतलब डेवलप्ड होते हैं. तो अनलेस वी हैव समथिंग दैट इज इन थ्री डायमेंशन, अनलेस वी हैव समथिंग दैट इज हैविंग मोशन, तो हमारा कनेक्ट उस लेवल का नहीं होता है. लर्निंग में भी उसका बहुत प्रयोग किया जाता है आजकल. बहुत जगह पर ये डेवलप हो चुका है, एंड टोटली अग्री विथ यू दैट ऑडियंस को और एंगेजमेंट का मौका मिलता है, प्लस आपका कैरेक्टर स्केच सामने आता है.
यू नो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे मेरा कुछ अलग एलिमेंट है, आपका कुछ अलग एलिमेंट, यू नो, एंड दैट यूनिकनेस कम्स आउट. द कैरेक्टर कैन बी स्केच्ड वेरी इजिली. दैट इज हाउ पीपल हैव ए स्ट्रॉन्गर कनेक्ट एंड अ मोर यू नो अ बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्रांड. Exactly. Great, great. Wonderful. Wonderful. Right. That's why video making is so important in this era. And the next question, I guess Ashish sir will continue. So basically, in fact, I was about to come to this, ki theek hai, video banana bahut important hai, achha to hai, lekin all of us are not, you know, very friendly with this concept. Okay. Humme se logon ne padhai likhai jo kari, koi engineer hai, koi doctor hai, somebody is a lawyer, somebody is into different field. To ye lag raha hai, se abhi chota mota matlab studio kholna padega, aisa kuch logon ko feel aati hai. Aajkal to matlab bada different, khas taur pe jo matlab ek older era ke log hai, unke liye to bahut hi difficult ho jata hai. They don't know how to make that out, they don't know how to take that selfie. To kaise shoot kare, kaise edit kare, kaise videos ko post kare, matlab network marketing kar rahe hain ki ye to yahan pe movie banne lagi. To kya skills chahiye hum logon ko, business kaise kare? All right. See, कोई भी स्किल अगर हम यहाँ सीख रहे हैं इन नेटवर्क मार्केटिंग तो कोई लर्निंग स्किल नहीं है. इट्स ऑलवेज अ डूएबल स्किल, इट्स ऑलवेज अ प्रैक्टिकल स्किल. तो आई गेस एज कभी भी मैटर नहीं करती है, बस मन होना चाहिए कुछ करने का, कुछ करने की चाहत होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, बाकी सारे काम के रास्ते खुद खुलते जाते हैं आपके लिए. एंड दैट इज द बेस्ट थिंग. अगर सच्ची में नेटवर्क मार्केटिंग करना है, अगर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, एक अनशेकेबल डिसीजन है और एक अनशेकेबल फेथ है खुद पे, तो यू कैन डू एनीथिंग. फिर चाहे वो शूटिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो या लोगों की सेल्स क्लोज कराना हो. सो दैट्स वेरी सिंपल. तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स अ वेरी बेसिक फॉर्मूला. यहाँ जो मैंने फॉर्मूला क्रिएट किया, दैट इज अ 5S फॉर्मूला विच कंटेन सूटेबल कॉन्टेंट. जो भी कॉन्टेंट आप बनाओ दैट शुड बी सूटेबल फॉर योर ऑडियंस, की लोगों को आपसे कनेक्ट कर पाए अपनी नीश के अंदर ही, जो भी आपने टॉपिक लिया है उसके अंदर ही, उससे बाहर ना जाए, उसी के कॉन्टेंट बनाए. राइट. एंड जो सबसे जरूरी चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कभी भी अपने सोशल मीडिया पे अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में शोकेस नहीं करना है. बिकॉज लाइक जो भी मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कुछ इमेच्योर नेटवर्क मार्केटर्स की वजह से जो MLM इंडस्ट्री की इमेज है वो थोड़ी खराब हो गई इंटरनेट पे, एंड पीपल आर हेटिंग इट. ऑल्दो ऐसा रियलिटी में है नहीं, जब वो समझते हैं तब उन्हें समझ में आती है, क्योंकि जब हम कनेक्ट करते हैं उनसे तब जब हम उन्हें समझाते हैं तो ये ज्यादा क्लियर होता है. बट ड्यू टू दिस ये बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है. बट आई गेस कि कंटेंट क्रिएशन ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको भी पैशन हो, जिसमें आपको करने में मजा आए, तो आप ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे. अब किसी म्यूजिक वाले बंदे को आप थमा दे कि तुम्हें मोटिवेशनल कंटेंट बनाना है तो उसे इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो थोड़े दिन करेगा और छोड़ देगा. बेटर कि ऐसा कंटेंट लो जो आपको पसंद हो, जिसके बारे में बात करना आपको अच्छा लगता है, जो आप कनेक्ट कर पाए लोगों से. और कैसे ऑडियंस आपको चाहिए, तो बेसिकली सोशल मीडिया रिक्रूटमेंट से ज्यादा पहले कनेक्शन का पार्ट है. लोगों से जहाँ कनेक्ट करते हैं फिर वहां से रिक्रूटमेंट करते हैं. आई गेस ये रोल ऑफलाइन में भी हम फॉलो करते थे, हम सीधा जाके रिक्रूटमेंट नहीं करते थे, पहले कनेक्शन बनाते थे, फिर उसे घर पे बुलाते हैं या मीटिंग में ले जाते हैं, एंड देन सेल्स क्लोज होती है. द सेम फॉर्मूला इज फॉर ऑनलाइन, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग प्रिंसिपल्स कभी नहीं बदलेंगे, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, सिर्फ तरीका बदलेगा. मैं अगर देखूं कि नेटवर्क मार्केटर्स जो होते हैं वो पहले 3S से तो काफी वेल वर्स पहले से ही, बिकॉज कंटेंट को तो उनको प्रेजेंट करना ही होता है. दे हैव ऑल ऑफ देम हैव प्रेजेंटेशंस एंड टॉपिक्स टू टॉक अबाउट, एंड स्क्रिप्ट पर तो काम करके ही करते हैं, तभी तो कॉन्टैक्टिंग हो पाती है, उसके ऊपर रिहर्सल होता है, तो ये हम लोग करते ही करते हैं. स्ट्रक्चर तो खैर हम सबके लिए जान है, मतलब बिना स्ट्रक्चर के तो हम बिजनेस ही नहीं कर सकते. रही बात एडिटिंग की, तो एडिटिंग का मतलब कुछ नहीं, एडिटिंग का मतलब कि उसके अंदर जो रिफाइनमेंट चाहिए, ठीक है, अपलाइन के साथ बैठते हैं कुछ रिफाइनमेंट करवाते हैं, तो दिस इज वेयर यू नो वी नीड टू एडिट. एंड शूटिंग को हम बस यही समझ सकते हैं कि जैसे हम स्टेज पर जाकर के बोलते थे किसी चीज को, तब कैमरा के सामने बोलना है. Exactly. तो बेसिकली ये 5S कुछ ऐसा नया चीज नहीं है, ये 5S वही चीज है, बस उसको आपने थोड़ा टेक्निकल ढंग से प्रेजेंट कर दिया. एग्जैक्टली, बस हमने ऑनलाइन लेके आ गए ऑफलाइन चीजों को. राइट. देन स्क्रिप्ट एंड रिहर्सल, जो भी कंटेंट है बहुत शॉर्ट कंटेंट बनाना है, हार्डली 60 seconds और 30 seconds. लाइक मैं जो कर रही हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग 30 seconds ऑफ कंटेंट, क्योंकि ये जो यंग जनरेशन है या जो भी आजकल के लोग है वो वीडियो लंबा कभी नहीं देखते, उन्हें शॉर्ट से शॉर्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, शॉर्ट से शॉर्ट कम टाइम में उन्हें ज्यादा वैल्यू चाहिए. सो ऑलवेज फोकस ऑन दिस कि हम कैसे शॉर्ट टाइम में ज्यादा वैल्यू दे दें. राइट. तो स्क्रिप्ट एंड रिहर्सल, ऑलवेज हैव अ स्क्रिप्ट, इवन आई हैव स्क्रिप्ट. ये मैं डायरी में हमेशा स्क्रिप्ट लिखती हूँ एंड आई जस्ट रिहर्सल इट एंड जाके शूट. स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है कि करना क्या है, एक बहुत बेसिक सा, बहुत ऐसे बड़ा स्टूडियो नहीं चाहिए. राइट. कि हमें अब शूटिंग करनी है तो हमें चाहिए एकदम बहुत अच्छे कैमराज, बहुत अच्छी लाइटिंग, बहुत अच्छा बैकग्राउंड. देयर इज नथिंग सच थिंग. बहुत सिंपल, कोई भी प्लेन बैकग्राउंड, कोई भी वाइट, लाइक वाइट नहीं, लाइट कलर्ड वॉल और कोई भी प्लेन कर्टन पे आप जाके खड़े हो जाओ. जस्ट हैव अ कैमरा
ट्राईपॉड ले लिया एक, आजकल तो इतनी अवेलेबिलिटी है कि बहुत सस्ते ट्राईपॉड मिल जाते हैं, सारी चीजें इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है, एक सिंपल माइक ले लिया एंड यू कैन जस्ट शूट द वीडियो एनी टाइम, कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है, टाइम निकाल के नहीं रखना है कि हाँ अब शूटिंग करनी है तो इतनी प्रिपरेशन चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल शूटिंग है। लाइक मैं भी जो करती हूँ, यू कैन चेक आउट दी पेज, वहां पे भी बहुत सिंपल है, बहुत हाई फाई कुछ नहीं किया है मैंने, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटर्स है, हमें वो चीजें करनी है जो हमारी टीम में डुप्लीकेबल हो, अगर हम भी वो स्टूडियो लेके सेटअप लेके बैठ जाए, आप कर सकते हो लेकिन जरूरी नहीं है हर टीम में कर सकता हो। सिंपल एडिटिंग से यहाँ मतलब है, आजकल इतनी सारी एप्स अवेलेबल है, आई विल शेयर सम ऑफ दी एप्स की, इतनी सिंपल एडिटिंग है उसमें, एप्स नहीं तो इंस्टाग्राम पे जब हम रील शूट करते हैं वहीं पे रील शीट शूट करके हम उसे एडिट कर सकते हैं, तो इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आपको बस शुरुआत करने की जरूरत है, राइट? तो लेट्स लाइक इसको डिटेल में अगर अगर डिस्कस करते हैं, तो सूटेबल कंटेंट्स हमेशा अपनी नीच के अंदर होना चाहिए, बहुत शॉर्ट वीडियोस में ज्यादा वैल्यू लाइक ऐड करने की कोशिश कीजिए, और जरूरी नहीं है कंटेंट हमेशा ओरिजिनल हो, इट कैन बी क्यूरेटेड, कहीं से भी कोई भी अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर या कोई भी आपकी नीच से रिलेटेड जो भी कंटेंट बना रहे हैं, आपको उसे थोड़ा अपने तरीके से बनाना है, सो इट्स नॉट एवरी टाइम कि हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए, बट यस यूनिक होना चाहिए, ओरिजिनल एंड यूनिक में देयर इज अ डिफरेंस ऑलवेज, राइट? रिलेवेंट होना चाहिए, कुछ उसका पर्पस होना चाहिए कि आप जो मैसेज देना चाह रहे हो उसका पर्पस क्या है। एग्जैक्टली, लोगों को समझ आना चाहिए, लोगों को उससे कनेक्ट हो पाए। स्क्रिप्ट एंड रिहर्सल, हमेशा अपनी एक डायरी ले लीजिए, उसमें कंटेंट लिखिए, क्योंकि अगर बिना तैयारी के शुरू करेंगे तो शूटिंग में बहुत टाइम लग जाएगा। शुरू में मैंने ये किया था, बिना कंटेंट के शुरू हो गए, बट फिर समझ आया कि नहीं लिखना पड़ेगा पहले, तो पहले एक बार लिखा, उसे दो तीन बार एक आउटलाइन फ्रेम कर ली कि हाँ मुझे क्या बोलना है, जरूरी नहीं है पूरा स्क्रिप्ट लिखा कि इस लाइन पे ये बोलना है, इस लाइन पे ये बोलना है, जस्ट की पॉइंट्स लिख लिए कि हाँ इस वीडियो में मुझे क्या कवर करना है, और उसे दो से तीन बार कैमरे के सामने प्रैक्टिस कर लिया या मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लिया, इससे क्या होगा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और जब रील शूट करेंगे या कोई भी वीडियो शूट करेंगे तो उसमें कहीं भी रुकेंगे नहीं, कहीं भी अटकेंगे नहीं। ये बहुत सिंपल तरीका होता है किसी भी वीडियो को शूट करने का, किसी भी स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करने का। स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा कोई भी वीडियो के अगर शॉर्ट वीडियो है लाइक 30 सेकंड्स का वीडियो, तो पहले के 3 सेकंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने वो 3 सेकंड्स में ऐसा क्या बोला कि लोग वहां पे वीडियो पे रुकेंगे और देखेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि पहले के 3 सेकंड्स में क्या बोलना है, लाइक इफ यू विल स्टार्टिंग सम वीडियो जस्ट से दैट क्या आपको पता है, तो इससे क्या होता है कि जब आपने ये 3 सेकंड में बोला क्या आपको पता है, तो लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि क्या मुझे पता है या नहीं है, राइट? या आपने कभी नोटिस किया है, तो ये जब चीजें हम ऐसे कुछ फ्रेजेस बोलते हैं तो लोग आपके वीडियो पे रुक के उसे देखते हैं कि ऐसा क्या है जो मुझे जानना चाहिए और मुझे शेयर करना चाहिए। हमेशा ऐसा कंटेंट बनाओ कि लोग उसे शेयर करें, ठीक है? तो ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और क्लोजिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है। अब एकदम से वीडियो नहीं खत्म कर देना है, हमेशा वीडियो CTA से खत्म होना चाहिए, दैट इज कॉल टू एक्शन, की लोगों को पता हो कि आप इस पे कंटेंट क्रिएट करने जा रहे हैं और आगे भी इस पे कंटेंट आता रहेगा। तो ऑलवेज डू दिस की डू फॉलो मी फॉर मोर कंटेंट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर हम ऐसी चीजें बोलते हैं वीडियो में तो लोग क्यूरियस होंगे कि हाँ और अच्छा कंटेंट आएगा। तो हमेशा ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग बहुत ध्यान रखनी, और जो बीच का सेक्शन है दैट शुड बी वेरी वैल्यूएबल। लोगों को लगना चाहिए कि हाँ इसमें कुछ बात है जो मैं इसे जाके फॉलो करूं, या इसमें कुछ बात है कि हाँ मैं इनसे कनेक्ट हूं, ऐसी कोई चीज होनी चाहिए, राइट? क्योंकि वो डायरेक्टली सेल्स क्लोज पे नहीं आएगा, पहले वो आपसे कनेक्ट होगा, पहले आपको जानेगा कि अगर उसे बिजनेस शुरू करना है तो वो आपके साथ क्यों शुरू करेगा। आज के इंडस्ट्री में सबको पता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होती है, सब जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, तो सवाल ये नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग करना है या नहीं करना है या मुझे क्यों करना है, सवाल सिर्फ एक है कि मुझे आपके साथ क्यों करना है, और ये तभी होगा जब आप सोशल मीडिया पे ब्रांड होंगे। देन सिंपल, कई बार हम लोग जाते हैं, आई जस्ट से वन पॉइंट, कई बार हम लोग जाते हैं लोगों से जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि कैसे मैं आपकी कंपनी की मार्केटिंग करूंगा, कैसे मैं मतलब ये करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, एंड ऑल दीस थिंग्स। मैं कहता हूं आपको जिस कंपनी को हम डील कर रहे हैं उस कंपनी की मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं, देयर ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन टर्नओवर। अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो आपको इस बात की मार्केटिंग करनी है कि यू आर पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क और यू आर बिल्डिंग योर नेटवर्क, बिकॉज नोबडी नोज दैट यू हैव अ नेटवर्क। तो अगर आपको अपनी मार्केटिंग करने के लिए फुर्सत नहीं है तो डेफिनेटली दुनिया को भी फुर्सत नहीं है आपको ब्रांड बनाने के लिए। डिसीजन यू हैव टू टेक, दैट्स द पॉइंट। Then we come to the simple editing. बहुत basic editing apps है. What I use is Canva. I guess most of the users यही use करते हैं. बहुत basic editing है. नहीं
तो पोस्ट डिजाइन करने के लिए कैनवा, इवन वीडियो एडिटिंग के लिए भी कैनवा यूज हो सकता है. देर आर मेनी एप्स, इन शॉर्ट है, फिल्मोरा है, बहुत सिंपल एप्स है, इसमें कुछ भी नहीं है. यू कैन जस्ट वॉच द ट्यूटोरियल और खुद भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा. तो बहुत ज्यादा हाईली प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है कभी भी. खुद को ब्रांड बनाना है, मार्केटिंग नहीं करनी है बहुत ज्यादा कि हम पेड एडवर्टीजमेंट्स का यूज करें, पेड प्रोफेशनल वीडियो मार्केटर्स का यूज करें, क्योंकि ये कभी भी डुप्लीकेबल नहीं है हमारे टीम में. अगर आप करेंगे तो आपकी टीम में हर कोई नहीं करेगा, और फिर ना ही टीम में रिटेंशन होगा, ना ही मैनेजमेंट होगा, कुछ भी नहीं होगा. सो ऑलवेज वो करिए जो आपकी टीम कर सकती है. हर एक एक्शन से पहले सोचिए कि जो मैं करने जा रही हूँ या जो मैं करने जा रहा हूँ, क्या ये मेरी टीम में हो सकता है, तो ही उस काम को करिएगा, नहीं तो मत करिएगा. वही करिए जो आपकी टीम कॉपी करे, जो आपकी टीम डुप्लीकेट करे, क्योंकि उसी से बिजनेस ग्रोथ होने वाली है. Then you need to maintain the energy and enthusiasm. कभी भी वीडियो ऐसे कभी भी एकदम ऑफ मूड में मत बनाना, जब भी बैठे बस शुरू हो गए. हमेशा एनर्जी, एक स्पार्क, एक enthusiasm, एक नेटवर्क मार्केटर का enthusiasm जो होता है वो हमेशा होना चाहिए. बिकॉज आई बिलीव की enthusiasm इज द ज्वेलरी ऑफ नेटवर्क मार्केटर. That's the most important thing. Very nice. So always have that energy, spark in your eyes and enthusiasm while you are editing or shooting the video. Then comes the excited. Always the visual karte fired up. These fired words up. Are, you know, the beginning words of any right. any seminar. Exactly. So start with some basic, simple, bright light. कोई भी अच्छी सी lighting होनी चाहिए. Good mic यहाँ पे मैंने recommend किया. This is not a sponsored ad or something. ये जो मैं use करती हूँ बस वो बता रही हूँ कि JBL के mic आते हैं and Boya M1 is one of the mic that I've been using and that's the best one. तो ये कुछ भी sponsored नहीं है. Let me tell you this क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है. And get started with a plain background or basic background. कोई भी plain background या थोड़े से उसमें textures हो उससे शुरू करिए. And make short and impactful videos. बहुत ज़्यादा कुछ professional जाने की कभी भी ज़रूरत नहीं है. बहुत basic अच्छे से कोई भी simple bright light, ring light का use कर सकते हो, या अगर कहीं अच्छी lighting है तो वो भी बहुत अच्छी है. कुछ लोग सनलाइट में वीडियो बनाते हैं एंड आई गेस सनलाइट इज द बेस्ट लाइट. इससे अच्छे कोई लाइट हो नहीं सकती. कभी कभी सनलाइट में बहुत अच्छे वीडियोस बनते हैं. लाइक मैंने कभी ट्राई किया है तो उससे अच्छी लाइटिंग नहीं हो सकती. तो अगर वो पॉसिबल है तो वो करिए. एंड ब्राइट लाइट पॉसिबल है अगर रिंग लाइट से तो वो करिए. तो कहीं भी शुरू कर सकते हैं. ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है कि आपको अभी एक महीना प्रैक्टिस लगेगी शुरू करने में. आप आज से वीडियो बनाना शुरू कर सकते हैं. The thing is very basic. तो ये पांच एलिमेंट्स है जो आपको चाहिए वीडियो शूटिंग के लिए. सो आई रेकमेंड यू कि पोस्ट से ज्यादा वीडियो पे आइए, क्योंकि वीडियो से जो ट्रस्ट बिल्ड होगा वो और किसी भी पोस्ट से बिल्ड नहीं होगा. एंड दिस इज द एरा ऑफ वीडियो मार्केटिंग. हर एक कंटेंट क्रिएटर अभी वीडियो मार्केटिंग पे फोकस्ड है. कोई भी अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर है, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर है, इवन अगर कोई नेटवर्क मार्केटर भी है, दे आर जस्ट क्रिएटिंग वीडियोस, क्योंकि उससे अच्छा कोई भी ऑप्शन नहीं है एट दिस टाइम. करेक्ट. एक्चुअली क्या है कि जैसे हम लोग करते भी है ना, कि हम लोग को यू नो इवन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी द मोर वी डू, द मोर वी प्रैक्टिस, द बेटर वी बिकम. तो गलतियां करने से घबराना नहीं. जैसे आप प्लान दिखाने में आप इस बात को फिलोसफी को फॉलो करते हैं, कॉल करने फिलोसफी को फॉलो करते हैं कि जितना ज्यादा करोगे उतना सीखोगे. तो वैसे जितने वीडियोज आप बनाओगे आप उतना सीखोगे. सो दैट्स अबाउट इट. एंड फ्रेंड्स वी आर रियली एक्साइटेड कि बिकॉज ये तो बस आपको टेक्निक अभी हमने बताया है, बट असली मजा तब आएगा जब आपके वीडियोस देखने का मौका मिलेगा. तो वी वुड लव टू सी जो लोग अच्छा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं. यू कैन ऑलवेज पोस्ट दैट कंटेंट इन द कमेंट. ओके. एंड फ्रॉम दिस वीडियो यू आर गोइंग टू गेट ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ जानवी सिंह ऑल्सो. यू ऑलरेडी हैव माई सोशल मीडिया हैंडल, तो यू कैन ऑलवेज टैग अस, यू कैन ऑलवेज मेंशन अस, सो दैट वी विल बी वेरी हैप्पी. जो अच्छा कॉन्टेंट होगा उसको डेफिनेटली वी विल ऑल्सो प्रमोट ऑन आवर पेजेस. So, Janvi, जैसा कि हर एपिसोड में हम लोग आपसे मांगते हैं, a sneak preview of the next episode. Sure. Firstly, I would love to see your videos. जैसे आशीष सर ने कहा कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये actions भी देखने मिला लोगों की तरफ से कि हम जो बता रहे हैं उसका यूज किस तरह से हो रहा है. So, we would love to see, just mention it. And कभी भी वीडियोस बना रहे हैं तो ऑलवेज हैव दैट स्पार्क एनर्जी. दिस इज द वेरी बेसिक थिंग. ये अगर नहीं होगा वीडियो में तो कुछ मिसिंग सा लगेगा. तो अगर ये जो मतलब आई गेस कि वीडियो मेकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है योर एनर्जी, योर स्पार्क एंड योर एंथुसियाज्म. सो ऑलवेज मेंटेन दैट. एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कमिंग अप ऑन द सेल्स क्लोज, कि हम कैसे सेल्स क्लोज करें. बट बिफोर दैट कि हम पहले कम्युनिकेशन और कम्युनिटी कैसे बिल्ड करें. बिकॉज हम जब तक कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, कम्युनिटी बिल्ड नहीं करेंगे, हम सेल्स क्लोज नहीं कर सकते. एंड आई गेस दैट इज
the golden series, like golden video, because the gold lies in this follow-ups and sales close. So that will be the next two series. अब जाकर के आपने काम की बात की है, so the real players will now get interested, but it is a process, friends. तो कोई भी क्लोजर नहीं आता है जब तक आप पेड़ नहीं लगाते हैं, जब तक उसको सींचते नहीं है, एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता नहीं पेड़ तब तक फल नहीं मिलते हैं. So you know, just hold your guns and keep watching. Thank you and stay tuned for the next episode. Thank you so much.